नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक पेस्टल ट्यूटोरियल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पेस्टल पे आप काम कर सकते हैं और एक बहुत सिंपल सा कुछ कोशिश करेंगे करने की। और जो कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कलर्स बता दीजिए कि कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं। वो मैं ये वाले कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिस्ट ऑफ पेस्टल गैलरी मुंगियो के साथ इनका कोलैबोरेशन था, वो वाले कलर्स हैं ये, जो आप मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कलर्स आपके पास नहीं हैं, काफ़ी लोग कैमलिन के सॉफ्ट पेस्टल्स भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल फाइन। मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था उसी के ऊपर, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो बस ये हैं तो मैं इसको भी यूज़ कर ले रहा हूँ, और अगर ये नहीं होते तो मैं कैमलिन को भी यूज़ कर लेता। तो डिफरेंट कलर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और आपको ताकि समझ में आए कितनी वैरायटी है। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत प्रोफेशनल ग्रेड के कलर्स हैं, ये भी आप मिड रेंज ही मानिए पेस्टल्स में अगर मैं बात करूँ तो। जैसे कि रेम्ब्रांट वगैरह आता है जो कि बहुत हायर रेंज के पेस्टल्स बनाते हैं और एक अच्छे पेस्टल्स बनाते हैं, यूनिसन वगैरह के पेस्टल्स हैं, तो वो बहुत हाई रेंज के मैं बोलूँगा उसको, जो अच्छे आर्टिस्ट लेवल के हैं। ये भी एक मिड रेंज का पेस्टल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और लर्नर भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं, बहुत मिनिमम कलर्स को यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, और उसी तरह का मैंने ड्राइंग चूज़ किया है। तो चलिए इसकी फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्रेमिंग करके ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था। पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ और प्रोपोर्शंस को मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ शुरुआत में। तो एक बार देखिए प्रोपोर्शंस मैच हो जाते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हमें आगे बढ़ने में। उसके बाद यहाँ पे मैं देखिए पिस्टल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ उन्हीं वैल्यूज़ को फॉर्म करने के लिए जो मैंने फ्रेम ड्रॉ किया, उसके बाद के जो काम है मैं पिस्टल पेंसिल से कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नॉर्मल पेंसिल से करेंगे तो उसके मार्क्स जो हैं वो उसके ऊपर फिर पिस्टल ओवरले नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का। वैसे कर सकते हैं, करने को आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरे पास मटेरियल्स हैं तो मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली। अगर आपके पास एसेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हों। तो देखिए मैंने आउटलाइंस भी ड्रॉ कर ली है, अब मेन कंटेंट पर चलते हैं फ्रेंड्स इसके आगे। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऊपर 00 मिनट का दिखा रहा है, ये वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है इस चीज़ का कि मैं नहीं बना पाया, और इनफैक्ट मेरी लगभग 2 घंटे की मेहनत जो है, जो आइज़ वगैरह ड्रॉ करने में हुई थी, वो बिल्कुल की बिल्कुल ही चली गई, जो मैं जिसमें मैंने कोशिश की थी आपको चीज़ें बताने की। चलिए फिर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, कभी कभी आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं तो ये सिस्टम एरर है जो कि अक्सर कभी कभी हो जाता है हम लोगों के साथ, लेकिन कुछ इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अगर थोड़ा बहुत वीडियो का बीच में गया होता तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी काफ़ी कंटेंट चला गया। लेकिन अभी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको और चीज़ें समझाने की, जितना बना है वीडियो उतना आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने अपलोड किया कि कम से कम कुछ चीज़ें तो आपको मैं बता पाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो मैं आपको बताऊं पिस्टल्स में, जो जितने भी लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो जो मुझे कंप्लेन करते हैं वो यही बताते हैं कि सर हमारे लेयर नहीं चढ़ते पेपर के ऊपर, और जब हम चढ़ाने जाते हैं तो वो नीचे का जो पेपर है वो दिखाई देने लगता है। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आप केवल एक सिंगल पिस्टल, सॉफ्ट पिस्टल हो या कोई भी हो, उसको आप सिंगल लेयर एक ही कलर की चढ़ा देते हैं। ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं 2-3 कलर्स की लेयर को, अलग अलग कलर्स को चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ब्लेंड कर रहा हूँ उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप पेस्टल्स में ड्रॉ कर रहे होते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप जब भी पेस्टल्स में ड्रॉ करें तो कम से कम 2-3 लेयर एक साथ लेकर के चढ़ाएँ, उसके बाद उसको ब्लेंड करें।
सिंगल लेयर आप चढ़ाएंगे उसके ऊपर फिर ब्लेंड करेंगे तो वो काम नहीं होने वाला फ्रेंड आपका, वो पेपर के नीचे की लेयर ही दिखेगी, ओरिजिनल पेपर नीचे से हाईलाइट होने लगेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप 2 से 3 लेयर लेके चलें, एक जैसे डार्क टोन लें और उसके साथ एक लाइट टोन लें। इसीलिए ये एज़ कॉपी पेस्ट ड्राइंग नहीं होती कि आप बस देख रहे हैं और जो कलर दिख रहा है वो ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा ब्लेंडिंग यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा स्मच करते हैं आप चीज़ों को, स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं उसके लिए। और वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेस्टल्स में, जब आप योर प्रोसीडिंग विद पेस्टल्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पेस्टल ड्राइंग। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आई विल लेट यू नो कि कैसे यू कैन ईजली क्रिएट हेयर्स ऑफ बियर्ड्स। सो फॉर दैट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं एक यूनिफॉर्म लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ ग्रे टोन्स की, और उसके बाद फिर मैं उसमें ब्लैक भी यूज़ करूँगा। देखिए जैसे मैंने ब्लैक यूज़ किया, ये ऐसा इसलिए करते हैं हम फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत एक स्मार्ट तरीका है हेयर्स को ड्रॉ करने का। जब इतने ज़्यादा नंबर्स में हेयर्स की होते हैं, अलग अलग लाइंस दिखती हैं वाइट वाइट, तो उसको कैसे करें, ये बहुत सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीका है जो आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं। पहले बीच में पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसको बस फर्दर उसमें वाइट लाइंस को ऑप्ट करना ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी है। अगर आप वाइट लाइन छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे डार्क लाइंस को ड्रॉ करने की तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आपकी ड्राइंग में ज़्यादा चीज़ें क्या है, वाइट ज़्यादा है, वाइट हेयर ज़्यादा है या ब्लैक हेयर ज़्यादा है। अगर आपके ब्लैक हेयर ज़्यादा हैं तब तो आप जो कॉमन प्रोसीजर होता है उससे चल सकते हैं कि ब्लैक लाइंस को, ब्लैक हेयर्स को ड्रॉ करते चलें और वाइट हेयर्स को अलग ड्रॉ कर लें। लेकिन अगर वाइट हेयर्स ज़्यादा हैं तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप पूरी एक ब्लैक लेयर को ऑप्ट कर लें, डार्क लेयर को, और उसके ऊपर वाइट हेयर्स को ईजिली आप ऑप्ट कर लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। खासकर पेस्टल्स की अगर मैं बात करूँ, कलर्ड पेंसिल में तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला क्योंकि ऊपर से वाइट लाइन्स ऑफ नहीं होंगी, लेकिन पेस्टल्स वगैरह में जब जो एडवांटेज है पेस्टल का और जो मज़ा है पेस्टल का वो यही है फ्रेंड्स कि यू कैन गेट लाइटर कलर्स ऑन डार्कर कलर्स एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पेस्टल्स का जब हम पेस्टल्स में ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है इसके बारे में। तो आप देखिए जैसे मैंने पूरी एक यूनिफॉर्म लेयर ड्रॉ कर ली और एक डार्क लेयर है, अब इसके ऊपर मैं वाइट को यूटिलाइज़ करूँगा। ये बहुत अच्छा सीखने का आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, आप बहुत आगे टाइम आने वाले टाइम पे आप काफ़ी यूज़ करेंगे इसको। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइट लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। पेस्टल पेंसिल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेस्टल पेंसिल को, या फिर चारकोल, वाइट चारकोल को जैसे मैं यूज़ करता हूँ उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, दो क्योंकि दोनों के एक जैसे रिजल्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी आसानी के साथ ये चढ़ रहा है, बस आपको फ़्लो देखना है कि कलर्स का, जैसे कि सेंट्स वगैरह के, हेयर्स के जो फ़्लो होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा प्रॉपरली कि उसमें कर्ल्स ज़्यादा होते हैं तो आपको कर्ल्स देने पड़ेंगे, स्ट्रेट हेयर्स नहीं रख सकते क्योंकि अगर हैं तब तो बात अलग है, अगर नहीं है जैसे कि इस वाली ड्राइंग में कर्ल्स ज़्यादा हैं तो मैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल इसको मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी मेहनत जो है वो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा हो, तो अभी मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियोस में इसको डालने की फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।